नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार पब्लिक जुड़ रही है, जिनसे हम सीधी बातचीत कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के माहौल को लेकर, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा के बारे में। हमारे साथ अभी जुड़े हैं महेश सेठी जी, जो बिजनेसमैन हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह चिंसा के लिए। महेश सेठी जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। सर, पिछले कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? देखिए, मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ। जब से जन्म हुआ है मेरा, तब से मेरे सारे परिवार के मेंबर डेरे से जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम संत गुरमीत राम रहीम जी से लिया हुआ है, और मेरे पापा जी का नाम शाह मस्ताना शास्तनाम जी से लिया हुआ है, और मेरे दादा जी का नाम शाह मस्ताना जी से लिया हुआ है जी। सर, बहुत टाइम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी, कम से कम भी कितने ईयर्स हो गए हमें डेरे से जुड़े हुए। और ऐसे ऐसे चमत्कार हमने अपनी ज़िंदगी में, हम बयान नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे चमत्कार हमारी लाइफ में हुए हैं कि हम मुंह से बोल के बयान नहीं किया जा सकता जी। बहुत टाइम से आप देख सकते हैं कि हमारी पीढ़ियां ही डेरे से जुड़ी हुई हैं जी। सर, आपकी फैमिली भी आती है? सर, हाँ जी, हाँ जी, सभी फैमिली आती है हमारी, सारी फैमिली डेरे से जुड़ी हुई है, बहुत टाइम से जुड़ी हुई है। सर, आपकी घर से लेडीज़ हैं, वो भी आती हैं? हाँ जी, हाँ जी, सभी आती हैं, सभी की सेवा लगी हुई है। बाकायदा लंगर घर में लंगर सिखाते हैं, ठीक है जी, पानी की सेवा, लंगर की सेवा, सफाई अभियान की सेवा। उन्होंने गुरुजी से ऐसा इतना कुछ, यानी कि उनकी लाइफ में गुरुजी के प्रेरणा के ऊपर चलते लाइफ में कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे उन्होंने सब कुछ, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी शिक्षा जो अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती जी, ऐसे गुरु से हमें ऐसी शिक्षा मिली है जी। लेडीज़ को लेकर सर माहौल कैसा है? लेडीज़ को माहौल देखिए, एक तो यहाँ पे सब कुछ लेडी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे रहना है, बल्कि यहाँ पे ऐसा कुछ सिखाया जाता है कि ऐसे कोई लेडीज ने आगे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, हर किसी फील्ड में आगे आने के लिए लेडीज की सुरक्षा के प्रति यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है जी। ऐसा कोई भी ऐसा माहौल हमें ऐसा यहाँ पे भी, जिसमें लेडीज को पीछे हटने के लिए थोड़ा सा भी एक माइनस पॉइंट भी यहाँ देखने को नहीं मिला जी। फिर सर, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मीडिया में हमें तो, हम इतने टाइम से देखो डेरे के सच्चे सौदा के साथ हैं, हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जी। और इसके बाद फिर आप सभी संगत को और सभी को पता ही है भी क्या है मीडिया जो आरोप सर लगाए जा रहे हैं गुरुजी के। हाँ जी, उसके बारे में तो सबको, देखो जी, ऐसा कुछ हमने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है जी, डेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जी। फिर डेरे सच्चा सौदा सर क्या काम क्या करता है सर? देखो, मानवता भलाई के काम है जी, वो तो सभी को दिख ही रहे हैं जी, वो सभी को, सभी के सामने है, सच सभी के सामने है। हमारे देश के लिए क्या किया है सर गुरुजी ने? गुरुजी ने देश के लिए, देखो आजकल कोई भी इंसान किसी भाई को बोल दो, अगर किसी भाई को एन मौके पे अगर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कोई भी भाई एकदम से पहले तो सोच 50 बार सोचेगा कि मैं क्यों जाऊँ, ठीक है जी। और यहाँ पे संगत तैयार बैठी है, आप देख सकते हैं कि फौजियों के लिए जब कभी भी रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है, तो एक मिनट में हजारों लाखों यूनिट यहाँ पे रक्तदान एक मिनट में इकट्ठा हो जाता है जी। यहाँ पे किसी भी, यानी कि किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं, कोई भी फील्ड लगा लो, तो यूनिट के मामले में, खूनदान के मामले में कभी भी किसी हॉस्पिटल को कमी आई हो, बल्कि डेरा सच्चा सौदा में यहाँ पे यूनिट उनकी पूरी पूर्ति होती है जी यूनिट की। सर, लड़कियों को आगे लेके जाने के लिए गुरुजी का क्या योगदान? देखो, लड़कियों की आगे लेके जाने के लिए, इसमें लड़कियों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की, उन्होंने लड़कियों को कैसे आगे बढ़ना है, मेडिटेशन का उन्होंने रास्ता बताया है जी। खेल प्रतियोगिता में हर लड़की अव्वल है, उसके लिए स्विमिंग पूल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है जी। शास्तनाम जी गर्ल्स कॉलेज, शास्तनाम जी गर्ल्स स्कूल, उन्होंने ऐसा कोई भी काम जो यहाँ पे ना लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के लिए ना हो, ऐसा आप देख सकते हैं कि हर फील्ड में लड़कियाँ आगे हैं, बल्कि अपने माँ बाप का नाम रोशन भी कर रही हैं जी, उनके चलते दिखाए हुए मार्ग पर चलते। क्या सर आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? हाँ जी, ये तो देखिए, अब नशा इतना देश में बढ़ गया है जी, उनके होते हमें देख लीजिए, हम आते हैं उनकी शिक्षा पे चलते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, हम अपने रहकर, हम खुद भी अपनी डेली जो रूटीन की ज़िंदगी है, उनके वचन सुन के
हम भी अपने आप में इतना सुधार करते हैं, आप खुद देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी। अगर हम उनके मान लो एक महीना या 15 दिन हमारे वचन उनके ना सुने हुए हमें निकल जाए, हमारी खुद की लाइफ ही चेंज हो जाती है जी। इतने बदलाव एक आम इंसान में, जिसे कभी बीड़ी का, सिगरेट का या कोई नशे का बैल नहीं, उसमें भी ऑटोमेटिक बुराइयां पैदा हो जाती हैं जी, अगर उनके हम वचन नहीं भी सुनते हैं, उनकी सत्संग नहीं भी सुनते हैं। तो हम फिर भी देखिए आप, हम आते हैं यहाँ पे, उनके यहाँ कैसेट चलती है जी, कैसेट सुनते हैं, हमारे अपने आप उनकी कैसेट सुनने से ही हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से आप? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, देखो संत गुरु जी, संत जो भी होते हैं वो देश को उद्धार करने के लिए आते हैं, तो देश का उनसे होते हुए उनसे देश को कोई भी किसी भी सिंगल एक आप ये लगा लीजिए किसी जानवर को भी नहीं तकलीफ होती जी उनके रहते हुए, तो इंसान को तो होनी क्या जी। इंसान को भलाई के मार्ग पर ही लेके चलते हैं जो भी संत आजकल आते हैं, कभी भी किसी को गलत राह ना उन्होंने पढ़ाई है जी, ना ही वो इस गलत राह भी किसी को चलाते हैं जी। हम तो यही कहते हैं कि उनके होते हुए हर किसी का उद्धार होता है, तो हमें चाहिए कि हमें आज भी हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, हम सत्संग उनकी हम चाहते हैं कि हमें लाइव सत्संग उन्हें सुनने को मिले, तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप हमें लाइव उन्हें सत्संग सुनने का मौका दें, तो यही हमारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि लाखों यूनिट खूनदान डेरा सच्चा सौदा ने आज तक इंसानियत के लिए किया है और लगातार कर रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी डेरा सच्चा सौदा ने बचाई है, लगातार जो समाज के अंदर मांग है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए बढ़ती जा रही है, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए सच क्या है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ देने के लिए, सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत